मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बाढ़ के हालातों पर समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि यमुना नदी में वर्ष 2013 में 8,14,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, जो उस वर्ष तक सबसे अधिक था, परंतु पिछले दिनों में औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण यमुना में इस बार 8,28,000 क्यूसिक पानी हो गया है। उन्होंने बताया कि यमुना का पानी आज शाम तक दिल्ली में पहुंच जाएगा और दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बाद यह पानी जिला फरीदाबाद और पलवल में पहुंचेगा, इसलिए पहले ही इन दोनों जिलों में नदी के साथ लगते निचले इलाकों से लगभग 500 परिवारों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि मारकंडा, टांगरी और घग्गर नदियों में भी जलस्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, परंतु अब पानी के स्तर में कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़पुर टापू में एक परिवार के 9 सदस्यों के बाढ़ में फंसे होने की जानकारी मिली थी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें भी बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार की ओर से हर प्रकार के हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।